हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जैसे कि बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई हमले की कोशिश जारी है। पाकिस्तान अपनी गीदड़ भक्की के बाद अपनी एयरफोर्स को भारत में भेजने की नापाक कोशिश कर रहा था, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें वापस खदेड़ दिया। इसी के साथ भारत ने कुछ राज्यों की डोमेस्टिक फ्लाइट भी रद्द कर दी हैं और वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट रद्द कर दी हैं। माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला गाजियाबाद के SSP ने सभी थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही नसीहत दी है कि किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए तैयार रहें और जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट रहने को निर्देश दिए गए हैं, जिस क्रम में सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी को भी अलर्ट इशू किया गया है और उनको पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद के जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो हिंडन एयरबेस हो, चाहे इंपॉर्टेंट मॉल्स हो, उन सभी जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इवन दूसरी एजेंसियां जो हैं, चाहे एयरफोर्स या अन्य जो खुफिया एजेंसी है, उनसे भी संपर्क करके ज्वाइंट ऑपरेशंस और ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशंस पर भी RPF, GRP इनके सहयोग से सघन चेकिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर भी गाड़ियाँ जो है PRV आदि तैनात की गई है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जो चीज़ें आ रही हैं उन पर भी हम नज़र रख रहे हैं। सभी तरफ से पूरी तरह से जनपद पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है।